हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं दिल्ली और ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट ब्लॉग है। तो ब्लॉग को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा और मजा लीजिएगा। तो अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चल यहाँ पर अपन लोग का बोर्डिंग पास है, उसके बाद सब यहाँ पर सामान रखने बोल रहे हैं, जैसे कि पर्स हो गया, हेडफोन हो गया, बेल्ट हो गया, सब कागज़ है पॉकेट का, सब यहाँ पर रखने बोल रहे हैं। और ये जाएगा चेकिंग में, चेकिंग में जाने के बाद फिर मेरे को मिलने वाला। तो यहाँ पर मैं मोबाइल रख दे रहा हूँ और वीडियो को बंद कर रहा हूँ। फाइनली अपन लोग चेक करवा लिए हैं पूरा, अब ऊपर जा रहे हैं। मेरा ये मेमोरीज भी हमेशा साथ रहने वाला है, जो कि मैं फ्यूचर में कभी भी देख सकता हूँ। तो इस ब्लॉग को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको फ्लाइट में कैसे कैसे क्या क्या प्राइस है फ्लाइट के अंदर का और कैसे कैसे ट्रैवल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो तो मेरे को भी नहीं पता कि ट्रैवल कैसे किया जाता है फ्लाइट में, मेरा भी ये फर्स्ट ही बार है। तो चलिए आगे आगे देखते हैं और आप लोगों को साथ में दिखलाते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप एंट्री करोगे मेन गेट से और मेन गेट के एंट्री करने के बाद आपको सिंपली आना होगा, सबसे पहले अपना बोर्डिंग पास बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने भी ये बोर्डिंग पास बना दिया, आपको मैं बैक कैमरा करके दिखला देता हूँ। सिंपली दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा हो गया बोर्डिंग पास, यहाँ पर मेरा नाम है और नाम के साथ साथ यहाँ से रांची से दिल्ली, और ये मेरा फर्स्ट बोर्डिंग पास है, ये मेरा सेकेंड बोर्डिंग पास है जो दिल्ली टू बॉम्बे है। तो यहाँ पर मेरा 12:20 में फ्लाइट है और अभी टाइमिंग हो रहा है लगभग, यहाँ पर घड़ी नहीं लगा हुआ है कहीं पे, तो अभी टाइमिंग हो रहा है लगभग 12:15, मतलब 12:20 में यहाँ पर बोर्डिंग पास को, यहाँ पर बोर्डिंग टाइम सीट है जो वहाँ पर 5 नंबर पे मेरे को वहाँ पर बुलाया गया, वहाँ पर 5 नंबर में, तो वहाँ पर 5 नंबर में मैं ये बोर्डिंग पास दे दूँगा। और आपको बोर्डिंग पास बनाना कैसे है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप काउंटर में जाकर बोर्डिंग पास के लिए बोलोगे कि आपको मेरा, मतलब कि आपको बोर्डिंग पास अगला काउंटर में जाकर बोलोगे कि आप मेरा बोर्डिंग पास मेक कर दीजिए, तो वहाँ पर कुछ चार्जर जैसे 300 या 400 आपको चार्ज लगेगा बोर्डिंग पास बनाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो सा भी कंपनी में आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब कि जो सा भी फ्लाइट में आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका कंपनी यहाँ पर शो हो जा रहा होगा। तो मैं गो स्मार्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारा कंपनी है मतलब कि फ़्लाइट का, तो बहुत सारा इंडिगो है, गो स्मार्ट है और भी 2-4 कंपनी है। तो उसमें आपको गूगल में सिंपली जाना है और गूगल में जाने के बाद आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर बोर्डिंग पास बनाया गो स्मार्ट बोर्डिंग पास करके, वहाँ पर आप जैसे ही गूगल में ये करोगे तो आपको जो सर्च लिस्ट में आएगा उसमें सिंपली आपको टैप करना, और टैप करने के बाद आप वहाँ उसी से हेल्प ले सकते हो और अपना बोर्डिंग पास मेक कर सकते हो। और बोर्डिंग पास बनाने के बाद आप उसको जब दीजिएगा तो आपको वो वाला ये प्रिंट करके आपको बोर्डिंग पास दे देगा, जो कि आपका पैसा 1 रुपया लग रहा नहीं। अगर आप उससे बनाओगे तो आपको पैसा लगना ही लगना है, 300 या 400। अगर आप खुद से बनाओगे तो आपको पैसा चार्ज एकदम ही लगेगा। तो चलिए आगे दिखाते हैं कि आपको कहाँ कहाँ सिंसियर रहना है और कहाँ कहाँ कितना पैसा, मतलब कि खर्चा होने वाला है आप पे, मतलब कि अगर आप जा रहे हो कहीं घूमने या फ्लाइट में, फर्स्ट फ्लाइट में आप भी ट्रैवल करना चाहते हो तो आपका कितना पैसा लगने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों सिंपली मैं ये वाला रेस्टोरेंट में मैं डोसा खाया था और डोसा का चार्ज मेरे को लगभग लगा 240, एक डोसा का चार्ज 240 है, और बाहर में सिंपली एक डोसा का चार्ज यहाँ पर 70-80 है। और आपके स्टेट में कितना है वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके स्टेट में डोसा का चार्ज कितना है। ये फ्लाइट के अंदर डोसा का चार्ज 240 है और वाटर बॉटल एक था और वाटर बॉटल का चार्ज 60 रुपीज़ है, जो कि हम लोग लिए और खा के, मेरा भाई यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा भाई यहाँ पर है। हेलो, तो कैसा लग रहा है आपको, आप इसका भी फर्स्ट फ्लाइट है तो बताइए एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है ये फर्स्ट फ्लाइट। मैं बहुत सारे एयरपोर्ट का हूँ अलग अलग स्टेट का, बट ये जो रांची का एयरपोर्ट मेरे को लगा करती है भाई, कुछ ऐसा खास नहीं। तो इसका डिसीजन ये था कि रांची का एयरपोर्ट पूरा टट्टी है, तो इस अब हम लोग जाने वाले रांची से डायरेक्ट दिल्ली, तो हम लोग जाने वाले रांची से डायरेक्ट दिल्ली। तो दिल्ली का भी एयरपोर्ट हम लोग कवर करेंगे, इस ब्लॉग में नहीं होगा तो नहीं होगा, तो सेकंड ब्लॉग में कवर करेंगे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मेरा सेकंड ब्लॉग भी जाके देखना, आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी लाइक करना और सेकंड ब्लॉग भी वॉच करना। तो वीडियो पे बने रहिए फ्रेंड्स। तो हम लोग का फ्लाइट अभी 1 बजे है, हम लोग वेटिंग रूम में
वेट कर रहे हैं और वेटिंग रूम कुछ इस तरह है। यहाँ पर बिरसा मुंडा जो एयरपोर्ट है रांची में, हम लोग का यहाँ पर वेटिंग रूम कुछ इस तरह, आपको बैक कैमरा से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का आ गया एरोप्लेन और एरोप्लेन आ गया और यहाँ पर लाइन लगना स्टार्ट हो गया, यहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो हम लोग भी अब इस लाइन में लग जाएंगे और फिर अंदर जाएंगे और अंदर का आपको फिर सीन दिखाएंगे, तो वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए। फाइनली गाइस अब प्लेन हम लोग का आ गया, लैंड कर गया और लैंड करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बैठने, और बैठने के लिए बहुत हम लोग एक्साइटेड है बैठने के लिए, और बैठ के उसके बाद आगे आपको दिखलाते हैं कि अंदर क्या क्या है। तो ब्लॉग पे पूरा एंड तक बने रहिए और वॉच करते रहिए। फाइनली आप लोग लाइन में लगे हुए और लाइन पे यहाँ पर चेकअप हो रहा है, आरटीपीसीआर चेकअप हो रहा है यहाँ पर, और उसके बाद बोर्डिंग टेस्ट करके यहाँ पर आप यहाँ पर मास्क भी ले सकते हैं, मास्क स्लाइडर भी ले सकते हैं यहाँ पर ये वाला, और वहाँ पर मास्क भी ले सकते हैं। इसका कोई चार्जेज नहीं है, अगर आप लाइन पर लगे हुए जा रहे हैं अंदर तो यहाँ पर इसका कोई चार्जेज नहीं है, आप ऐसे ही ले सकते हैं। अभी नहीं है, यहाँ पर ये मास्क हो गया, ये आपको स्लाइडर हो गया, यहाँ पर अब हम लोग ले लिए यहाँ पे ये वाला, और वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ फ्लाइट है, और फ्लाइट से यहाँ पर रास्ता गया और रास्ता के यहाँ पर सीधा अंदर डोर पे ढुका दे रहा है, तो हम लोग को नीचे में उतरने का मौका नहीं मिलेगा कुछ। आपको इस तरह व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर सिंपली अब मैं अंदर जाऊँगा और अंदर जाके आपको पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। देख सकते हैं, ओ भाई साहब कितना अच्छा व्यू यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं वाओ, पूरा रनवे यहाँ पर है और ये मेरा गो एयर, यहाँ पर मेरा फ्लाइट है, तो यहाँ पर मैं सिंपली डायरेक्ट डोर पे इंटर करूँगा और इंटर करने के बाद अंदर एरोप्लेन पे। आपको अंदर इन करना है, देख सकते हैं यहाँ पर अंदर गेट है और गेट के साथ इन कर रहा हूँ मैं, इन करते हैं आप एरोप्लेन के अंदर, और कुछ इस तरह एयर होस्टेज। और यहाँ पर कुछ इस तरह एरोप्लेन का लुक है। अब अपन को अपना सीट देखना है, सीट नंबर, और बैठ जाना है। तो यहाँ पर सिंपली मेरा सीट नंबर है 12B, आप देख सकते हैं मेरा सीट नंबर 12B है फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा सीट नंबर 12B है, और यहाँ पर 12B, तो यहाँ पर मिडिल वाला सीट मेरा है और डोर वाला पता नहीं किसका, तो यहाँ पर सिंपली मैं बैठ जाता हूँ। सिंपली मेरे यहाँ पर भाई का भी सीट मिल गया एकदम डोर पे, और डोर पे सीट मिलने के बाद यहाँ पर डोर का मजा हम लोग दोनों ले सकते हैं आराम से। सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए फ्लाइट में, बैठ गए और बैठने के बाद यहाँ पर मेरा भाई को सीट, मेरे भाई को मिल गया और मेरे भाई को इधर सीट मिल गया। हेलो गाइस, हम लोग तीनों साथ में बैठ गए और सीट मिल गया, और एक भाई मेरा उधर बैठा है जो कि उधर विंडो सीट में है, हम लोग यहाँ पर साथ में मिल गए और मिल के बैठ गए। अब हम लोग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, और जर्नी स्टार्ट करने के आपको ब्लॉग्स बना, ब्लॉग पे बने रहिए पूरे एंड तक, और ब्लॉग को अच्छे से वॉच कीजिए। सीट के आगे कुछ आपको ऐसा कुछ रखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपको सामान रख सकते हो, या फिर यहाँ पर कुछ खाओगे तो यहाँ पर आप रख सकते हो, और यहाँ पर ऊपर में आपको कुछ सैनिटाइज करने का मिल जाएगा, और ये स्पीकर है। 4-6 पर आपका हार्दिक स्वागत है, उड़ान स्टार्ट होने वाला है, जो अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ से दिल्ली जाएगी, 2 घंटे 40 मिनट का ट्रैवल होगा। कुमार देवेंद्र है और सह कप्तान पौलमी मुखर्जी है। उड़ने के लिए रेडी हो गया, अब ये उड़ेगा। हम लोग का प्लेन में बैठे कम से कम 20-25 मिनट्स हो गया, बट अभी तक प्लेन उड़ा नहीं है, तो देखते हैं प्लेन कब तक उड़ता है, तो वेट करते हैं इसका, और उड़ते हुए उड़ते के साथ आपको दिखाते हैं शॉर्ट्स कैसे ऊपर से सीन लगता है। सो दोस्तों फाइनली एरोप्लेन स्टार्ट हो गया, अभी मजे वाला है, अब
रनवे देख सकते हो, यहाँ पर पूरा रनवे है। अब यहीं से पूरा शुरू करेगा उड़ान भरेगा एरोप्लेन, फिर से एरोप्लेन रोक दिया है, अब पूरा स्पीड से बढ़ाएगा आगे लगता है और उसके बाद उड़ेगा। तो यहाँ पर अचानक से एकदम एरोप्लेन लगातार की आवाज़ किया और आवाज़ का नहीं है उड़ान भरने का स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं आप बहुत स्पीड हो गया एरोप्लेन भाई साहब। ओ भाई उड़ने ही वाले ओ भाई अच्छा से पकड़ लो, उड़ने वाले मिलेंगे आपको, देख सकते बादल ऊपर का गाइस, ऊपर से आप रांची को देख सकते कैसा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं वो तारा माचिस में जब ऊपर रहते हो वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। अब हम लोग बादलों को चीर देंगे, बादलों पर पहुंच चुके, वो भी सिर्फ दो मिनट में हम लोग सीधा आसमान में बादल में पहुंच चुके। तो आप देख सकते हैं बादल यहाँ का टेढ़ा हो रहा है, पूरा बादल ही बादल चुका हम लोग का प्लेन, पूरा व्हाइट ही व्हाइट दिख रहा है इधर और कुछ दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं प्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस डायरेक्शन नहीं जा रहा है, और नीचे भी पता नहीं दिख नहीं रहा, पूरा एरोप्लेन टेढ़ा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बाहर का विंडो का सीट हो गया, लेकिन ऐसे नहीं है एरोप्लेन, ये कैसे है पूरा वो भाई, इधर से आप देख सकते हो पूरा रांची पर, आप सीन देख सकते हो पूरा रांची का, और एरोप्लेन ही पूरा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा होकर टर्न ले रहा है, लिटरली पूरा एरोप्लेन दे रहा है, मोबाइल भी उतना लग नहीं रहा है कैमरा में, बट एक आई फील दैट कि एरोप्लेन ऐसे नहीं है, ऐसे ही पूरा ऐसे ऐसे बादल हम लोग के नीचे और हम लोग बादल के ऊपर। फाइनली गाइस हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और ऊपर इस तरह सीन दिख रहा है, आप देख सकते हैं नीचे में क्या दिख रहा है, लगता है इंडिया का नक्शा देख रहे हैं, कुछ इस टाइप का लग रहा है। आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन ऊपर से लग रहा है कि हम लोग इंडिया का नक्शा देख रहे हैं। ये प्लेन ऊपर से ऊपर जाता ही जा रहा है, बहुत देर से ऊपर जाता ही जा रहा है, पर मतलब कि अनाउंसमेंट हो रहा है कि सीट बेल्ट अपना बांध लेने के लिए। देख सकते हैं आप बादल सामने कितना मस्त लग रहा है भाई साहब, फाइनली अब हम लोग ऊपर आ गए सबसे, यहाँ पर कुछ इस तरह का सीन है, एरोप्लेन का पंख देख सकते हैं कुछ इस तरह का सीन है, विंडो सीट पे आगे बैठ गए हैं, आगे वाला सीट खाली था जहाँ पर मेरा बुकिंग था उसके आगे वाला सीट खाली था, हम भी विंडो सीट पे आके बैठ गए थे, विंडो सीट का मजा ले रहे हैं। फाइनली यहाँ पर टर्न ले रहा है अपना एरोप्लेन और ऊपर में दिख रहा है सूरज और नीचे कुछ इस तरह दिख रहा है, देख सकते हैं। तो ये राइट टर्न लेना है एरोप्लेन और पूरा एरोप्लेन झुक गया एक साइड पूरा, और ऊपर सूरज भी दिख रहा है और नीचे कुछ इस तरह का सीट।
जो सीन है भाई साहब, देखने लायक सीन है, लग रहा है जन्नत पे आ चुके हैं। ऊपर सूरज है और नीचे बादल है और बीच में है अपन लोग है। ऐसा मैंने सोचा था, अगर फर्स्ट फ्लाइट मतलब कि मेरा फर्स्ट फ्लाइट जैसा मैंने सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा कोई सीन नहीं था। आराम से मतलब कि नॉर्मली टाइप लगा, ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत ही एक्साइटेड थे बैठने से पहले, बट बैठने के बाद कुछ एक्साइटेड नहीं, बस उड़ने टाइम कुछ एक्साइटेड थे बस, उसके बाद फिर तो भाई नॉर्मली फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सीन मस्त लग रहा है, आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में बहुत ही मस्त सीन हो रहा है, वीडियो तो आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक नॉर्मल वाटर मिलेगा जो कि पैसा नहीं लगेगा ऊपर पीने का, तो चलिए अभी से पीते हैं। प्यास भी लगा था बहुत देर से, पानी भी आ ही गया, तो चलिए पीते हैं इसे। अब भाइयों हम लोग इतना ऊपर आ गए कि नीचे का कोई सीन दिख ही नहीं रहा, एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा, देख सकते हैं आप नीचे में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि नीचे में भी घर है कि किसी का ये है, बस एकदम लग रहा है कि इंडिया का नक्शा देख रहे हैं, उस टाइप का फीलिंग आ रहा है। और ऊपर का सीन तो लाजवाब है, आप देख ही सकते हैं। पर आपको कुछ इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे आपको नहीं बैठना है, और आपको नीचे में यहाँ पर शो कर रहा है कि आपको सीट वेल्ट लगा लेना है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर आउटडोर का ऑप्शन दिख रहा होगा कि आप डोर को कैसे ओपन कर सकते हो और कैसे बाहर जा सकते हो। और ये देख सकते हैं यहाँ पर निकलने का ऑप्शन है, ये एग्जिट इमरजेंसी का ऑप्शन है जो कि मेरे पीछे वाले सीट पर है, और ये प्लेन का ऑन लैंड, ये आपको डिवाइस है जो कि पानी में चलेगा, एरोप्लेन पानी में भी चलेगा जो कि ये लगने के बाद ये चलेगा। उसके पीछे में कुछ, अगर आपको एरोप्लेन में बैठो तो यहाँ पर आपको अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इंट्रोडक्शन दिया एक हेयर होस्टेज जो कि आप इसे ले सकते हो, यहाँ पर बांध के इसे सांस में लगा सकते हो, जो कि ये वाला ऊपर में लगा सकते हो, ऊपर में यहाँ पे ये वाला यहाँ पर लगा सकते हो जो कि ये वाला एयर होस्टेज के पास मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया जो आप सीट बेल्ट लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर सीट बेल्ट लगा चुका हूँ पहले से ही। तो यहाँ पर आपको मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल के ऑन करके रखना है, मतलब कि फ्लाइट मोड में डाल के रखना है, जैसे कि मैं भी अपना मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दिया हूँ। और यहाँ पर आपको एसेसरीज है जो आपको यहाँ पर पूरा ही पूरा मतलब कि अलाउ ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर लैपटॉप हो गया, ये हो गया, वीडियो गेम ये सब अलाउ ही नहीं है इसके अंदर, आप मोबाइल ले जा सकते हो और आपको ये सब अलाउ है। यहाँ पर देख सकते हो टैब हो गया, कैमरा, ये सब अलाउ है यहाँ पर। इन फ्लाइट उड़ान के दौरान, उड़ान और उतार, मतलब उड़ान और उतार में ये अलाउ नहीं है, और उड़ान के दौरान मतलब उड़ान के दौरान में ये सब अलाउ है, वो भी मोबाइल यहाँ पर फ्लाइट मोड में अलाउड है। और यहाँ पर स्मोक करना अलाउड नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गो एयर, तो यहाँ पर ये वाला कंपनी जो एरोप्लेन का वो गो एयर का। और यहाँ पर दिखा रहा डॉन लाइफ जैकेट, मतलब कि ये जैकेट जो है अगर आपको कोई भी वजह से प्लेन क्रैश होता है या कुछ भी होता है तो आपको ये जैकेट प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से, और अगर ये जैकेट पहन के आप यहाँ से कूद सकते हो, यानी कि नीचे आप देख सकते हो यहाँ से अगर नीचे कोई आदमी जाएगा तो बचना तो मुमकिन ही नहीं है। आप साइड में देख सकते हो, आपको नीचे का सीन दिख रहा होगा, अगर यहाँ से कोई आदमी कूदेगा तो यहाँ बचना तो मुमकिन ही नहीं है। और यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हो बच्चा का भी जैकेट है यहाँ पर, तो आप अगर एरोप्लेन पर आओगे तो आप भी पढ़ सकते हो, यानी तो मैं इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ तो आप इंट्रोडक्शन से समझ सकते हो। अब इसे मैं फिर से जहाँ था उसे वहाँ डाल देता हूँ और फिर से वापस से सीन देखता हूँ बाहर का क्या सीन है। फाइनली गाइस बहुत ही अच्छा लगा, अभी तक ऊपर तो उड़ रहा है प्लेन तो अच्छा ही फील आ रहा है, वैसे ही कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। तो आप देख सकते हो विंडो सीट में मैं बैठा हूँ और मज़े ले रहा हूँ फ्लाइट के। ऊपर से जब सूरज रोशनी मारता है बादल पे तो बादल बिल्कुल ही रुई टाइप का लगता है, पूरा रुई टाइप का लगता है, आप देख सकते हैं पूरा सारा का सारा बादल पूरा रुई टाइप का लगता है, मतलब कि ना ऊपर में बादल कुछ हिलता है ना ढुलता है, पता नहीं ऊपर में हवा चलता है कि नहीं चलता है, एकदम मतलब कि स्टे रहता है पूरा बादल, सारा जगह में पूरा स्टे है बादल, और पूरा एकदम ऑसम लुक दे रहा है ऊपर से, बादल तो पूरा आँख में गड़ रहा है भाई साहब। ऊपर से जब सूरज रोशनी मार रहा बादल पे तो बादल पूरा ही पूरा लाइटिंग कर रहा है, आप तो आपको वीडियो में देखने के लिए मिल ही रहा होगा। आप नीचे का सीन कुछ एकदम छोटा छोटा सब दिख रहा है और ऊपर में तो पूरा बादल ही बादल भरा हुआ है, पूरा आसमान में बादल ही बादल भरा हुआ है, और मौसम भी बहुत ही अच्छा किया हुआ है, और ऊपर तो आसमान साफ ही है। यहाँ पर देख सकते हो लग रहा है कि यहाँ पर कोई स्पेस ही
उतरने वाला है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। अब देख सकते हो लग रहा है कि स्पेस ही उतरने वाला है। तो चलिए व्लॉग पे बने रहिए, हम लोग जाएंगे फिर अब दिल्ली लैंड करेंगे, उसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग का प्लान है अभी बहुत बहुत जगह घूमने का, अभी दिल्ली में तो लैंड करेंगे, हो सकता है दिल्ली में निकलने देगा नहीं, कहा कि वहाँ पर 3 या 4 घंटा का स्टे हम लोग का, उसके बाद सेकेंड फ्लाइट है वो है हम लोग का दिल्ली से मुंबई, और मुंबई में हम लोग पूरा एकदम स्टे करेंगे 2-3 दिन, और वहाँ का सारा चीज़ कवर करेंगे, और हीरो हीरो लोग का होम भी कवर करेंगे, और वहाँ पर अच्छा अच्छा बेस्ट प्लेस भी कवर करेंगे। अगर आपको सारा वीडियो देखना है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। और मुंबई के बाद जाएंगे गोवा, हो सकता है पहले गोवा चल जाए उसके बाद मुंबई चल जाए उसके बाद जाएंगे बेंगलोर, उसके बाद बहुत जगह घूमने वाले भाई साहब, बहुत ही मज़ा आने वाला है, और बहुत ही क्या ही बोलूँ मैं। तो चलते हैं पहले दिल्ली, दिल्ली तो पहले मैं गया हूँ, मुंबई में पहली बार जा रहा हूँ, और गोवा भी मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो कैसा लगता है वहाँ का सीन वो भी मैं आपको पूरे ब्लॉग पे कवर करने वाला हूँ। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ घूमते रहिएगा, और एक्टिव देखने के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनली गाइस हम लोग आ गए टॉयलेट जो कि एरोप्लेन का है, तो आपको टॉयलेट दिखाते हैं एरोप्लेन का किस टाइप का रहता है, तो मैं बैक कैमरा से आपको सेट करके दिखाता हूँ कि एरोप्लेन का टॉयलेट किस टाइप का रहता है। देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा लाइट है, और यहाँ पर एक मिरर है जो कि यहाँ पर मैं हूँ, और यहाँ पर हाथ धोने के लिए छोटा सा नल, और यहाँ पर सैनिटाइजर, यहाँ पर लिखा हुआ है करने के लिए। अब जल्दी से यहाँ पर काम खत्म करता हूँ मैं, यहाँ काम खत्म करके फिर से मैं जाता हूँ अपने सीट पर बैठने के लिए। अगर कुछ इस तरह का सीन दिख रहा होगा, यहाँ पर इतना सारा सीट है, बस सारा पैसेंजर लोग बैठा हुआ है, और मेरा सीट आ गया जो कि मैं सीट पर बैठा हूँ इधर विंडो साइड, वो मेरा सीट है, पर मेरा बोर्डिंग पास रखा हुआ है, तो सिंपली मैं बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर से सीट बेल्ट लगा लेता हूँ और यहाँ सीन के मज़े लेता हूँ। यहाँ पर कुछ हलचल हो रहा है जो कि बादल में घुसने के बाद हुआ था, ऊपर नीचे बादल में कुछ दिख नहीं रहा था, और पूरा प्लेन आगे पीछे होने लगा, मैं तो पूरा डर गया था यार, पूरा सब सारे पैसेंजर भी डर गए थे, पूरे जितने प्लेन में बैठे हुए सब चिल्लाने लगे थे, आओ आओ आओ, सॉरी मैं कैप्चर नहीं कर पाया ये मतलब कि वो सीन, तो हो सकता है आगे फिर से वो सीन हो तो मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन भाई साहब पूरा डर गया था यार, क्या ही बोलूँ। अभी मौसम सही नहीं है, वेदर सही नहीं है, तो फिर अनाउंसमेंट हुआ था कि अपना अपना सीट बेल्ट अच्छे से लगा लें और टॉयलेट का प्रयोग ना करें। अच्छा ही मैंने पहले टॉयलेट करके आ गया और आके बैठ गया, देखो वेदर कैसा होता है, हो सकता है पानी पड़ेगा, तो उसका भी सीन मैं आपको आगे वीडियो पे दिखाऊंगा। सिंपली दोस्तों जो ये जैकेट था, तो अभी मैंने नोटिस किया ये आपके नोट देखिए, देख सकते हैं लाइव वेस्ट अंडर योर सीट, तो ये जो जैकेट है आपके सीट के नीचे में, इसका मतलब ये सीट के ये सीट है, ये सीट के नीचे में आपका जैकेट है, तो अगर कुछ होता है, अगर प्लेन हो सकता है इमरजेंसी हो, तो आप नीचे से जैकेट निकाल सकते हो, या फिर आप होस्टेज की मदद भी ले सकते हो। सो गाइस अगर आपको होस्टेज से कुछ तरह का इंट्रोडक्शन लेना है या कुछ पूछना है, तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जिसको भी आप टैप करके आप पानी मंगवा सकते हो, या कुछ ऑर्डर दे सकते हो, या तो कुछ उससे पूछ सकते हो जो आपको समझ में आए, तो आपको बटन आपके डायरेक्ट सर के ऊपर में दिया हुआ है, तो आपको मैं वो दिखला देता हूँ। वो बटन को जैसे ही आप टैप करोगे तो आपके पास एक होस्टेज चल के आएगा, होस्टेज चल के आएगा, और आपका जो भी कोई मतलब कि अगर आपको पानी चाहिए या आपको कुछ पूछना है उससे, तो आप उससे पूछ सकते हो, उससे हेल्प ले सकते हो। इसलिए आपको मैं वो बटन दिखला देता हूँ, ये वाला बटन है, आप देख सकते हो ये वाला बटन, वो बटन को टैप करके सिंपली आप कोई भी हेल्प ले सकते हो एयर होस्टेस से, समझ रहे हो, अगर आपको पानी मंगवाना कुछ भी आप एयर होस्टेस से हेल्प ले सकते हो। तो आपको मैंने बटन दिखला दिया जो कि आपके सर के ऊपर ही है। यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है कि वेदर के कारण सीट बेल्ट लगा लेना है और टॉयलेट का प्रयोग नहीं करना है, और वेदर है कुछ, अब मैं विंडो ओपन करता हूँ, मेरे को लग रहा है कि फिर से वो प्लेन इधर उधर होने वाला है, तो आपको मैं वीडियो को दिखाता हूँ। और पूरा बादल के अंदर जाने वाला प्लेन, और बादल के अंदर जाने के बाद पूरा प्लेन करेगा, पूरा एकदम इधर उधर होगा, क्योंकि बादल के अंदर जाने के बाद
जो पायलट रहता है उसको आगे का रास्ता दिखता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो अपना अंदाज से चलाता है प्लेन, और प्लेन देख सकते हैं पूरा कि पूरा ये हो गया, पूरा इधर उधर हो रहा है, तो वो बादल के अंदर देखते ही डूबते ही कैसा सीन रखता है बादल के अंदर, और नीचे मेरे को लगता है कि नीचे पानी पड़ रहा होगा, कुछ मौसम ठंडा कर दिया पूरा मौसम, पूरा बारिश वाला मौसम कर दिया, और आगे में पूरा बादल ही बादल दिख रहा है। अब देखते हैं बादल के अंदर जाने के बाद क्या होता है। यहाँ पर अनाउंसमेंट तो हो ही रहा है बार बार कि अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए और अच्छे से बैठ जाइए, और टॉयलेट का प्रयोग ना करें क्योंकि टॉयलेट में सीट बेल्ट नहीं लगता है, तो आप ऊपर नीचे हो सकता है इधर उधर आपको चोट लग सके। तो यहाँ पर बादल में प्लेन पूरा घुस चुका है, आप देख सकते हैं कुछ नज़र नहीं आ रहा है इधर, तो पूरा देख सकते हैं पूरा बादल ही बादल दिख रहा है। अब लगता है प्लेन अब ऊपर नीचे होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ इसको, पकड़ने के बाद यहाँ पर प्लेन का कोई ठीक नहीं है। इससे पहले तो पूरा एकदम ऊपर नीचे हो गया था प्लेन, बादल में घुसते के साथ ही मैंने नोटिस किया था, यहाँ पर पूरा बादल पे घुस गया, पूरा नीचे दिख रहा है ना ऊपर दिख रहा है कुछ, पूरा बादल पे हम लोग हैं भाई साहब, पूरा वाइट ही वाइट दिख रहा है, देख सकते हैं आप, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा विंडो पे। तो अब इधर उधर हो रहा है प्लेन थोड़ा बहुत, मतलब हिल रहा है, लग रहा है कि अजीब टाइप का लग रहा है, लग रहा है कि मैं अब नीचे गिर जाएगा प्लेन, इस टाइप का लग रहा है प्लेन, मतलब कि ओ भाई साहब पूरा टर्न ले लिया प्लेन, तो भाई बादल से बाहर आ चुका है प्लेन भाई साहब, मेरे को तो डर लग गया था, और आगे बहुत सारा बादल है, पता नहीं आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, और प्लेन तो भाई बाएं तरफ झुक रहा है, कभी दाएं तरफ झुक रहा है, कभी बाएं तरफ झुक रहा है, कभी दाएं तरफ झुक रहा है, हो सकता है कि बादल के अंदर ना जाके वो अच्छा मतलब कि उधर उधर से निकल सके, ये फिर से बादल के अंदर घुस गया प्लेन, अब प्लेन ऊपर नीचे होने लगा है भाई, पकड़ लेता हूँ मैं अच्छे से सीट को, देख सकते हैं आपको बादल दिख रहा होगा कितना मस्त लग रहा है भाई साहब बादल, आपको वाइड एंगल करके दिखला देता हूँ कि बादल किस तरह मस्त लग रहा है, लग रहा है कि पूरा बादल जन्नत में आ चुका हूँ, पूरा बादल ही बादल भरा हुआ है, ना नीचे कुछ दिख रहा है ना ऊपर कुछ दिख रहा है, ऊपर में आसमान है और इधर पूरा बादल ही बादल। यहाँ पर जो लिखा रहा है आपको देख सकते हैं लाइव विजिट अंडर योर सीट, तो आपको ये सीट के नीचे मिलेगा, तो सीट के नीचे मैं आपको निकाल कर दिखला देता हूँ ये बैग कैसा है, जो कि आप पहन के एरोप्लेन से नीचे घुस सकते हो, तो कुछ सीट का बेल्ट ऐसा है जो कि कुछ टच करने में पूरा हार्ड है बोले तो, और इसे बैग को पहन के ये फूल जाता है, और फूलने के बाद इसे आप पहन के नीचे उतर सकते हो। गाइस टेक ऑफ का मज़ा तो ले ही लिया हूँ, अब लेना है लैंडिंग का मज़ा, तो देखते हैं कि कितना जल्दी हम लोग का प्लेन लैंड करता है, और लैंड करने का भी मतलब लैंड करने के बाद क्या क्या होता है वो भी आपको दिखलाते हैं। अब मेरे को लग रहा है कि प्लेन लैंड करने वाला है, क्योंकि ये पूरा प्लेन डर ले लिया इधर साइड, और इधर साइड हो सकता है अभी भी पूरा बादल पे ही घुसा हुआ प्लेन, अब पता नहीं लैंड करेगा कि नहीं, और नीचे पूरा काला बादल है, क्योंकि हमको लग रहा है कि नीचे में पूरा बारिश हो रहा है। गाइस प्लेन का वॉइस के कारण मेरे को पूरा इरिटेशन हो रहा है, अंदर में ज़्यादा वॉइस आता नहीं है, बट थोड़ा सा ही मतलब जो भी वॉइस आ रहा है बैकग्राउंड में सुन सकते हो, उसके कारण मेरे को इरिटेशन हो रहा है, और इरिटेशन के कारण मेरे को सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और मैं विंडो सीट पर बैठा हूँ, इतना धूप लग रहा है, और धूप से मेरे को और भी अजीब टाइप का फील हो रहा है, लग रहा है कि क्या ही बोलूँ मैं, बेकार आ गया विंडो सीट पर बैठने के लिए। तो देखो हो सकता है आप लोग पहुँच गए हैं दिल्ली, और अब लैंड करने वाला है प्लेन, तो वीडियो पे बने रहो और पूरा एंड तक देखते रहो वीडियो को, क्या होता है आगे। अब शायद लैंड करने ही वाला है, पूरा एकदम अजीब फील हो रहा है, स्काई बनवा कान एकदम दुख रहा है, इसकी आवाज़ से पूरा इरिटेशन फील हो रहा है, और पता नहीं क्या ही हो रहा है, फर्स्ट टाइम फ्लाइट का मन लग रहा है, मन कर रहा है क्या ही बोलो, पूरा कान पे जोड़ दे रहा है, जैसे कि कोई लग रहा है कि कोई अंदर में पेन हो रहा है बहुत, कान उसके आवाज़ से पेन हो रहा है कि क्या से पेन हो रहा है, ना मेरा आवाज़ मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ना अगर वो इसका आवाज़ मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है।
देखते हैं, हम लोग पूरा नीचे आ गए हैं, दिल्ली आ चुके हैं। अब देखिए कहाँ पर इसका रनवे है और कहाँ पर लैंड करता है। मैंने कान पे जब लगाया एयरपिड्स तब जाके मेरा कान दर्द हल्का कम हुआ है, और बाप रे बाप क्या ही बोलूँ, बट अभी भी पेन कर ही रहा है मेरा कान। जब हम लोग लैंड करने वाले, अब हो सकता है 5 मिनट के अंदर में हम लोग लैंड कर जाए और फिर उसके बाद आपको दिखलाते हैं। और से दिल्ली का व्यू कुछ इस टाइप का है, देख सकते हैं पूरा बिल्डिंग ही बिल्डिंग भरा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है छोटा छोटा सारा सारा बिल्डिंग है। ओ भाई नीचे हो रहा है, प्लेन नीचे जा रहा है। ओ भाई अजीब फील लग रहा भाई। ओ भाई पेट के नीचे में बहुत अजीब फील हो रहा है जब नीचे जा रहा है प्लेन धीरे धीरे। यहाँ पर हम लोग बहुत ही नीचे आ गए, अब लगता है हम लोग लैंड करने के लिए ज़्यादा देर ही नहीं है। दिल्ली का सीन आपको कुछ इस तरह ऊपर से दिखेगा, खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग है यहाँ पे, देख सकते हैं पूरा बिल्डिंग ही भरा हुआ, यहाँ से स्टार्ट भाई साहब वहाँ ख़त्म। अब हम लोग आ गए हैं रनवे पे, अब लैंड करने वाला है प्लेन। ओ भाई 1 2 3 4 लैंड कर गया लग रहा है, 1 2 3 4 ओ भाई सट गया भाई, आवाज आ गया चक्का का, नीचे लैंड कर गया प्लेन। अब प्लेन ब्रेक मार रहा है धीरे धीरे करके, स्लो कर दिया प्लेन को पूरा। यहाँ देख सकते हैं हम पूरा कपड़ा रनवे दिल्ली का पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर स्टेशन और बाहर निकल के आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं स्पाइस जेट का भी है प्लेन यहाँ पर, यहाँ पर सिग्नल के लिए ये सब है। और हम लोग पहुँच गए दिल्ली और यहाँ पर प्लेन भी कर गया लैंड। आपको निकल के दिखाते हैं बाहर कि बाहर में क्या क्या है, कैसा एयरपोर्ट है दिल्ली का, तो ब्लॉग पे पूरा बने रही है। अब अपन लोग दिल्ली आ चुके हैं और प्लेन रुक चुका है, अब रुकने ही वाला है प्लेन अब मेरे को लगता है। और प्लेन जैसे ही रुकता है, अब जैसे हम लोग उतरते हैं प्लेन के बाहर उतरते हैं और आप लोग को देख लाते हैं कि बाहर में कैसा सीन है और क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चल ही रहा है काम एयरपोर्ट में के अंदर, तो इसका मतलब और भी अच्छा एयरपोर्ट बना रहा है दिल्ली वाला को। और रांची से बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली में, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। अब बाहर निकल कर देखते कि क्या सीन है आगे, यहाँ से तो सीन बहुत ऐसे अच्छा लग रहा है एयरपोर्ट का, अब बाहर निकल कर देखते क्या ही सीन है। नहीं हम लोग दिल्ली रीच कर गए, मतलब ये आ गए यहाँ पर उतर गए, और वो आप जो देख रहे हो वहाँ पर सामने में जो वो देख रहे हो वो लगेगा गेट पास, और गेट पास लगने के बाद उससे हम लोग उतरेंगे नीचे। तो अभी तक यहाँ पर अलाउंस हुआ है कि अभी तक आपको बेल्ट खोलना नहीं है, जब वहाँ पर अलाउंस होगा तभी आपको बेल्ट खोलना है। और यहाँ पर रुके कम से कम 2-3 मिनट हो गया है, और वो वाला जो है वहाँ गेट पास लगेगा, और गेट के पास लगने के बाद हम लोग नीचे उतरेंगे और नीचे उतर के कुछ फ़ोटो शूट करेंगे जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। और उतरने के बाद आपको व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और दिखाएंगे, देख सकते हैं ये कैसे यहाँ पर ला कर लगाएगा, तो आपको दिखाते ही वाला यहाँ पर ये ला रहा है भाई साहब। 4-5 बंदा 6 बंदा मिल के यहाँ पर ला के गेट के पास आगे में ले के वहाँ पर गेट पे सटा देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे सटा दे रहा है, तो वहाँ पर गेट पे लग चुका है। उसके बाद वो लोग देखते हैं, देख सकते हैं वो लोग चढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग उतरेंगे नीचे और नीचे उतर के अब आपको दिखाएंगे नीचे का सीन और एयरपोर्ट दिल्ली का। अब अपन लोग उतर रहे नीचे, जा ही रहे नीचे। फाइनली हम लोग आ गए हैं दिल्ली, अब जाना है उस बस पे और बस ले जाएगा हम लोग को एयरपोर्ट पे। गाइस ये था हमारा प्लेन
जो कि ये प्लेस हम लोग आए हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ शूट हो रहा है, फोटो शूट हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपली इस बस से जाना है हम लोग को, तो दिखाते हैं व्लॉग को, बने रहिए। तो दोस्तों सिंपली हम लोग बस पे आ गए हैं और ये बस चल गया, चलते चलते देख सकते हैं यहाँ पर सब पैसेंजर लोग बैठ गया है और फिर ये ले जाएगा एयरपोर्ट के पास। ये रहा अपन का दिल्ली का एयरपोर्ट, यहाँ पर देख सकते हैं कितना मस्त मस्त सजा हुआ एयरपोर्ट। और ये सारा आपको पीतल का है जो आप देख रहे हैं, ओरिजिनल पीतल का है, बहुत ही कॉस्टली पीतल भी है। और यहाँ पर आपको एयरपोर्ट पे ही मॉल मिल जाएगा, आपको अगर कुछ आपको सामान लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ रेस्टोरेंट भी है, मॉल भी है, आईफोन का यहाँ पर स्टोर भी है, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का टॉय भी है, टॉय भी खरीद सकते हो। और ये एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, अब पता नहीं बॉम्बे का एयरपोर्ट कैसा होगा, वो भी जाके देखते हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट में भी तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लुक है, ऐसा सीन है कुछ। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब हम लोग यहाँ से जाने, दिल्ली से जाने वाले बॉम्बे और बॉम्बे से गोवा। और ये सारा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धीरे धीरे हमारा चैनल पे वीडियो अपलोड होगी और आप देखना जरूर और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।